हेलो दोस्तों, रियलमी का नंबर सीरीज इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। रीजन भी जेन्युइन है क्योंकि अब ब्रांड बजट सेगमेंट में काफी अच्छे अच्छे फोन्स को लॉन्च कर देता है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि इस टाइम पर अब रियलमी के नंबर सीरीज का प्राइस थोड़ा सा हाई रह रहा है। चलिए अब इन बातों को साइड में रखते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, फाइनली रियलमी का 11 सीरीज चाइना में लॉन्च हो गया है एंड उसी वजह से उसमें लगे सभी ऊर्जे पुर्जे की जानकारी मिल गई है एंड इंडिया में कब लॉन्च हुआ ये भी पता चल गया है। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, रियलमी 11 सीरीज इतने सारे इंडियन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है एंड लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इंडिया में जून के मंथ में देखने को मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो रियल 11 प्रो के अनबॉक्सिंग के साथ साथ आज डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया तो प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए स्मार्टफोन के रिगार्डिंग वीडियोस पाने के लिए। सबसे पहले बात करें इसके बॉक्स की, तो बॉक्स आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। रियलमी के ब्रांडिंग के साथ रियलमी 11 प्रो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बॉक्स कंटेंट में आपको एक खूबसूरत सा स्मार्टफोन एंड एक ट्रांसपेरेंट केस, टाइप सी यूएसबी केबल और एक चार्जर देखने को मिल जाएगा। लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो बैक पैनल पर सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप होगा एंड सिंगल फ्लैश लाइट का सपोर्ट दिया जाएगा। एंड इस लुक से काफी लोग इंप्रेस हुए हैं तो कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस वाले रेजोल्यूशन के साथ में ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड इस डिस्प्ले की हेल्प से आप हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो इजीली देख सकते हैं और रील्स वगैरह स्क्रॉलिंग के लिए इसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्मूथ एंड हाई रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है। तो डिस्प्ले में आपको काफी सॉलिड अपग्रेड देखने को मिलेगा पिछले सीरीज के कंपेयर में। कैमरे की बात करें तो चारों तरफ से घेराबंदी करके इसमें आपको दो कैमरा लगा दिया गया है। इसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का होगा एंड इसको ऑप्टिमाइज कराने के लिए जो सेंसर यूज किया गया है वो सैमसंग की तरफ से आता है, जिसका सैंपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इसके साथ OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। तो शेकी हैंड से वीडियोस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी फ्रंट कैमरे के रूप में सेंटर पंचोल कटआउट के साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखा है तो कैमरा वाइज भी स्मार्टफोन काफी बेस्ट होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको एक नया चिपसेट देखने को मिलेगा। इसमें आपको डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कोई नया चिपसेट नहीं है, सेम डायमेंसिटी 1080 वाला चिपसेट का ही नाम बदलकर 7050 कर दिया गया है। ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसके अंदर इसको रियलमी 11 प्रो में आपको 500,000 से ऊपर तक देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस भी काफी धमाकेदार देखने को मिलने वाला है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000 mAh की भी बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। तो बैटरी और चार्जर का ऑप्शन इसमें पिछले सीरीज से अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ अदर फीचर की बात करते हैं, LPDDR4 एक्सटेंशन टाइप एडोफस 3.2 स्टोरेज वेरिएंट में आएगा। बाकी इसका बेस वेरिएंट जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसका प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।